दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी फेवरेट अभिनेत्री मुग्धा चाफेकर कुमकुम भाग्य सीरियल में प्राची का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं और अपने इस किरदार से सभी दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही हैं। तभी तो दर्शक आज इनकी एक्टिंग और अदायगी के दीवाने हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, वर्तमान में टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री मुग्धा चाफेकर इस मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंच गई, बल्कि इसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल भी किया है, जिसकी वजह से इन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। तो अगर आप भी इनके फर्श से अर्श तक की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पर इससे पहले आप टैलेंटेड अभिनेत्री मुग्धा चाफेकर के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुमकुम भाग्य सीरियल में प्राची का किरदार निभाने वाली अदाकारा मुग्धा चाफेकर का जन्म 24 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट की थी। और अगर बात करें कि ये आज टीवी इंडस्ट्री में इस मुकाम पर कैसे पहुँची है तो चलिए बताते हैं आपको इनके फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी के बारे में। तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत महज 8 साल की उम्र में ही कर दी थी। जी हां, इन्होंने साल 1985 में आई मूवी आजमाइश से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने अच्छी एक्टिंग करके लाखों करोड़ों दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। और इसके बाद इन्हें साल 2001 में जूनियर जी सीरियल में अभिनय करने का मौका मिल गया था। और आपको बता दें, इनका ये पहला शो बड़ी आसानी से नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क से मिला, जिसमें इनकी खुद की मेहनत तो शामिल है ही, साथ ही इनके पेरेंट्स भी इस सीरियल को दिलाने में अपना अहम योगदान दे चुके हैं। जी हां, तब ये छोटी थी और इन्हें एक्टिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था और इनके इस टैलेंट को इनके माता पिता पहचान चुके थे, जिसके चलते इनके माता पिता ने खुद टीवी सीरियल के ऑडिशन को लेकर बहुत ही ज्यादा भागदौड़ की है। तब जाकर इन्हें जूनियर जी सीरियल में अभिनय करने का चांस मिला था और इसके बाद इन्हें क्या मुझसे दोस्ती करोगी शो में एक्टिंग करने का चांस मिला था, जिसमें इन्होंने बहुत ही कम दर्शकों का मनोरंजन किया था। और इसके बाद भी इन्हें इसी साल यानी की साल 2006 में दो सीरियल में एक्टिंग करने का मौका मिल गया, जिसमे 16 सिंगार और धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जैसे शो का नाम शुमार है। इतना ही नहीं, इसके बाद तो मानो इनकी किस्मत का दरवाजा ही खुल गया, क्योंकि इन्हें एक के बाद एक कई सारे शोज में अभिनय करने का मौका मिलता चला गया, जिसको इन्होंने अपनाकर अच्छी एक्टिंग कर लाखों करोड़ों दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया था, जिसमे गोलमाल है भाई साहब गोलमाल है, सजन रे झूठ मत बोलो और धर्मवीर जैसे कई शोज के नाम शुमार हैं। और इन शोज में अच्छी एक्टिंग करके इनकी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और ये वर्तमान में कुमकुम भाग्य सीरियल में प्राची का किरदार निभाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये थी इनकी फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी। तो दोस्तों, आप मुग्धा चाफेकर की इस फर्श से अर्श तक की कहानी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।